नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घर में होंगे और मेंस की पढ़ाई के लिए विशेष ध्यान दे रहे होंगे। तो दोस्तों, हो सकता है आज के वीडियो लेक्चर में थोड़ी आवाज़ की, साउंड की आप लोग को प्रॉब्लम जाए, क्योंकि बारिश यहाँ पर बहुत तेज़ हो रही है और वीडियो को डेली अपलोड करना पड़ रहा है, इसलिए डेली ही वीडियो बनाना पड़ता है। तो आप थोड़ी बहुत इसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। आइए चालू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं शिशुनाग वंश के बारे में और उसके बाद नंद वंश के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था, उसमें हमने मगध साम्राज्य के सर्वप्रथम शासक के बारे में पढ़ा था, अर्थात हर्यक वंश के बारे में, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म में जो है हर्यक वंश ही सबसे प्रमुख और सबसे पहला राजवंश है जिसने कि मगध की सत्ता को हासिल किया। उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार अंतिम प्रमुख शासक के रूप में उदयन का नाम सामने आता है, जिसने पाटलिपुत्र अर्थात वर्तमान के पटना नगर की स्थापना की और उसे अपने राजधानी के रूप में स्थापित किया। और उसके बाद के जो शासक थे वह शासन के योग्य नहीं हुए, इतने अच्छे से उत्तराधिकारी सिद्ध नहीं हो सके इस कारण से, और साथ साथ जनता में उनके प्रति असंतोष की भावना काफ़ी हद तक व्याप्त हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपने अमात्य के बारे में बात की है। अमात्य जो था वह शिशुनाग था, तो उन्होंने अपनी शासन सत्ता जो थी वह अमात्य के हाथों सौंप दी और इस प्रकार शिशुनाग वंश का उत्कर्ष हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आइए चालू करते हैं शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ना। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक जो था वह शिशुनाग था, जिसके शासनकाल या समय काल के बारे में अगर बात की जाए तो 412 ईसा पूर्व से लेके 394 ईसा पूर्व तक के समय काल को कहा जाता है। अब इसके समय काल के सबसे प्रमुख चीज़ें क्या थी जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जा सकती है, या फिर अगर महापद्मनंद 3 नंबर में आ गया तो ऐसा ही पूछा जाएगा, तो उसके बारे में आपको पॉइंट्स के रूप में कैसे इसको विस्तृत करना है इसके बारे में बताता हूँ। तो इसका सबसे प्रमुख कार्य जो था वह यह था कि उसने अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया, अर्थात कहा जाए तो मगध साम्राज्य की जो साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति जो है वह यहाँ भी लगातार हमें देखने को मिलती है। तो इन्होंने अवंती को अपने राज्य में मिलाकर मगध का एक हिस्सा बना लिया। साथ साथ इन्होंने राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी जिसको उदयन ने बनाया था, उससे राजधानी स्थानांतरित करके अब वैशाली में पुनः स्थापित कर दिया, अर्थात पाटलिपुत्र से वैशाली में राजधानी ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद अगर हम शिशुनाग वंश के दूसरे प्रमुख शासक के बारे में देखें तो वह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कालाशोक के बारे में। कालाशोक को उपनाम में अगर देखा जाए तो काकवर्ण कहा जाता था, और उसके अर्थों में यदि जाया जाए तो अर्थात बहुत अधिक काला, है ना, कहा जाता है कि वह रंग में थोड़ी सी काला था, इस कारण उसे काकवर्ण भी उपनाम दिया जाता है। अब इसका समय काल देखा जाए तो 394 ईसा पूर्व से लेके 366 ईसा पूर्व तक का इसका समय काल था। अब इसके प्रमुख उपलब्धियों के बारे में अगर देखा जाए तो इसने अपनी राजधानी को पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी थी। मतलब अगर कहा जाए कि शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से वैशाली में की थी, तो इन्होंने वापस ट्रांसफर करके वैशाली से पाटलिपुत्र में राजधानी को ट्रांसफर कर दिया। इसके अलावा अगर इसके समय काल के प्रमुख चीज़ों की बात की जाए या प्रमुख घटनाओं की बात की जाए तो इसमें हमको देखने को मिलता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो था वह कालाशोक के समय काल में ही संपन्न हुआ था। साथ साथ अगर हम एक विवरणात्मक पुस्तक की बात करें तो हर्षचरित के अनुसार जो था महापद्मनंद ने कालाशोक की हत्या की थी। तो आपको यह चीज़ ध्यान में रखना है कि यह हर्षचरित के अनुसार है ना, यह एक प्रमुख विवरणात्मक पुस्तक है जिसके बारे में हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध होता है। उसके अनुसार ऐसा कहा गया है कि महापद्मनंद ने कालाशोक की हत्या करके नंदवंश की स्थापना की थी, ठीक है। वहीं अगर दूसरा पॉइंट देखें तो नंदीवर्मन महानंदिन और शिशुनाग वंश, मतलब अगर कहा जाए तो नंदीवर्मन और महानंदिन कहा जाता है दूसरे प्रमुख ग्रंथों के अनुसार कि शिशुनाग वंश में उसके अलावा भी शासक थे जो कि ये दो थे, है ना। जबकि हर्षचरित जो कहता है वह यही कहता है कि महापद्मनंद जो था वह कालाशोक की हत्या करके डायरेक्ट नंदवंश की स्थापना करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर किसी पुस्तक विशेष के उल्लेख की बात करें तो आपको याद रखना है कि हर्षचरित के अनुसार ऐसा है। अब हम देखते हैं नंदवंश की ओर बढ़ते हैं जो कि यहाँ पर प्रमुख शासक वंश उभर कर सामने आया।
इसके बाद मगध का शासनकाल संपूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलता रहेगा, और हमें पूरे प्राचीन काल में इसी के बारे में पढ़ना है, अर्थात मगध साम्राज्य के बारे में मुख्य रूप से। अब इसकी स्थापना अगर देखा जाए कि नंदवंश की स्थापना किसने की थी, तो महापद्मनंद ने की थी, है ना दोस्तों, आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर महापद्मनंद के अन्य नामों और उपाधियों के बारे में बात की जाए, तो अन्य नाम जो देखने को मिलता है वह उग्रसेन मिलता है, उग्रसेन इसका अन्य नाम था। वहीं सर्व छात्रात्मक की उपाधि जो थी और एकराट जैसे उपाधि इन्होंने धारण की थी। अब जैन ग्रंथों के विवरण की बात की जाए, तो जैन ग्रंथों के विवरण के अनुसार जो था महापद्मनंद के जन्म के बारे में बहुत अधिक जानकारी मिलती है और विवादित जानकारी भी मिलती है, तो भी उसको भी हम देखते हैं कि जैन ग्रंथों के अनुसार जो था महापद्मनंद का जन्म एक नापित पिता और वैश्या माता के द्वारा हुआ था, है ना। इस कारण कहा जाता है कि यह क्षत्रियों से काफ़ी हद तक नफरत करता था, क्योंकि वहाँ पर वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज का संचालन होता था और ऐसे पुत्र को कोई भी समाज में जगह नहीं देना चाहता था। इस कारण से वह क्षत्रियों से विशेष रूप से घृणा करता था। पुराणों के अनुसार अगर इसके विवरण की बात की जाए, तो इसे कली का अंश कहा गया है, कली अर्थात कलियुग वाला कली, है ना, तो कली का अंश कहा गया है। वहीं इसने इसे सर्व छात्रात्मक की उपाधि भी दी गई है, और इसे ये भी कहा भी गया है। अब ये क्यों कहा गया है, क्योंकि इसने तत्कालीन समय में कहा जाता है कि सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया था, इस कारण इसने सर्व छात्रात्मक की उपाधि धारण की थी। वहीं पुराणों में इसे परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। आप सभी को सुनने में मिलता होगा कि परशुराम ने भी 21 बार धरती से क्षत्रियों का समूल नाश किया था, और ऐसा कुछ महापद्मनंद के बारे में भी कहा जाता है कि इसने भी क्षत्रियों का संपूर्ण नाश किया था, इसलिए इसे परशुराम का अवतार कहा जाता है। वहीं इसे अत्यधिक संपत्ति और सेना रखने वाला शासक भी माना जाता है पुराणों के अनुसार। तो दोस्तों यह सब आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें कि महापद्मनंद जो था, इसे एकराट की उपाधि किस प्रकार मिली थी, इसने किस प्रकार एकराट की उपाधि को धारण किया था, तो एकराट की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति जो होता है वह काफ़ी हद तक साम्राज्यवादी होता है, अर्थात कई सारे राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने के पश्चात ही एकराट की उपाधि प्रदान की जाती है। तो महापद्मनंद ने यहाँ पर पौरव, इक्ष्वाकु, पांचाल, है कलिंग, सूरसेन, मिथिला जैसे प्रमुख साम्राज्यों को जीत लिया था और इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अर्थात आप समझ सकते हैं कि मगध साम्राज्य तत्कालीन समय में कितना अधिक व्यापक रहा होगा, है ना। तो इस प्रकार इसने एक राज की उपाधि या एक छत्र की उपाधि धारण की थी। वहीं इसका सेकंड पॉइंट देखें, तो इसका जो नोट है यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जो आपको पढ़ने लायक है, कि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में महापद्मनंद की कलिंग विजय के बारे में वर्णन किया जाता है, है ना। खारवेल अभिलेख में कहा गया है कि महापद्मनंद ने कलिंग की विजय की थी और इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और कहा जाता है कि व्याकरणाचार्य जो हैं पाणिनि, यह महापद्मनंद के मित्र माने जाते थे। तो अब हम कुछ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, तो पहले हम आते हैं शिशुनाग वंश में, जिसके संस्थापक के बारे में बात की जाए, तो इसके संस्थापक जो थे शिशुनाग थे। कार्यकाल इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक पॉइंट बन जाएगा। वहीं राजधानी परिवर्तन की थी पाटलिपुत्र से वैशाली में, तो ये आपको याद रखना है। और ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि किसने वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र में की थी, तो ये किया था कालाशोक ने, तो ये भी आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने की आवश्यकता है। वहीं कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय काल में हुआ था, तो आपको याद रखना है शिशुनाग वंश के कालाशोक के समय काल में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन। वहीं हर्षचरित अगर किसी विवरणात्मक पुस्तक के बाद उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए कि किस पुस्तक के अनुसार महापद्मनंद ने कालाशोक की हत्या की थी, तो आपको याद रखना है हर्षचरित के अनुसार, ठीक है। अब अंतिम शासक के बारे में हम देखते हैं, तो अंतिम शासक जो था वह नंदीवर्धन और महानंदिन जैसे शासक थे, ठीक। इसके अलावा अगर हम नंदवंश में प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसकी स्थापना इस वंश की किसने की थी, महापद्मनंद ने की थी, यह आपको याद रखना है। इसने उपाधियां कौन कौन सी ली थी, इसके उपनाम याद करने की आवश्यकता नहीं, परंतु इसकी उपाधियां याद करने की जरूर आवश्यकता है, क्योंकि इसी के अनुसार क्वेश्चन मेंस में भी उठ के आ सकते हैं। जैसे डायरेक्ट पूछ लिया एकराट, या फिर पूछ लिया सर्व छात्रात्मक
तो ये अगर तीन तीन नंबर में आ गए तो इसके बारे में यहां पर आपको वर्णन महापद्मनंद का भी करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इसकी उपाधियां जो है वह याद करने की आवश्यकता जरूर है। वहीं इस पॉइंट को याद करने की जरूरत नहीं है, इनमें से और भी कोई पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये पॉइंट याद करने की जरूरत है क्योंकि ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया कि महापद्मनंद ने किस प्रकार एक राठ की या एक छत्र की उपाधि धारण की, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको इसका उल्लेख करना पड़ेगा। वहीं अगर कहा जाए कि नंद वंश की साम्राज्यवादी नीतियों का विश्लेषण करें तो उसमें भी आपको ऐसा पॉइंट देना पड़ेगा कि किस प्रकार महापद्मनंद ने कई सारे राज्यों को विजित करके एक सशक्त मगध साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, अब इसकी जानकारी कहां पर मिलती है तो यह भी आपको प्री का पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है क्योंकि खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख कई बार कई चीजों में कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो यह भी आपको याद करने की आवश्यकता है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नंदवंश के दूसरे प्रमुख शासक की ओर। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नंदवंश के अंतिम शासक की ओर जिसको घनानंद कहा जाता है। यह नंदवंश का अंतिम शासक था, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट पढ़ते हैं क्योंकि यह भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बन जाता है और कुछ प्री के महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर से आते हैं। तो पश्चिमी साहित्य में या फिर इसे कहा जाए तो यूनानी साहित्य में इसे अग्रमीज कहा गया है। ठीक है, यह है आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण होगा, इसे याद रखिएगा कि अग्रमीज जो है वह शासक घनानंद को कहा गया है। इसके अलावा देखें तो महान सिकंदर का आक्रमण जो है वह घनानंद के शासनकाल में ही होता है। अब यह शासनकाल कब, यह आक्रमण कब होता है, 326 से लेकर 325 ईसा पूर्व, अर्थात 326-325 ईसा पूर्व के समथिंग उसी समयकाल के दौरान सिकंदर जो है वह पोरस को हराते हुए भारत की ओर बढ़ता है और उसके पश्चात पोरस भले ही युद्ध में हार जाता है परंतु सिकंदर उसके भावनाओं से बहुत अधिक प्रसन्न होता है, उसकी शक्ति और पराक्रम से बहुत अधिक प्रभावित होता है और तत्पश्चात वह वापस की ओर लौट जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है घटना कि यहाँ पर जैसे ही सिकंदर का आक्रमण होता है वैसे ही चाणक्य जो था वह घनानंद के पास जाता है क्योंकि वह उनके दरबारियों में से प्रमुख था, परंतु यहाँ पर जो है घनानंद यह भोग विलास में अत्यधिक लिप्त होता है और वह बोलता है उससे अर्थात सिकंदर से हमें किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होगी, तो आप टेंशन मत लो। मगर चाणक्य यही बोलता है घनानंद से कि स्वामी यदि हमारे सीमाओं के आसपास युद्ध का माहौल है तो आपको यह भोग विलास की वस्तु को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए और अपने सीमाओं की और अपने मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर क्या होता है कि घनानंद जो है वह चाणक्य की बहुत अधिक अपमानित तरीके से यहाँ पर उससे व्यवहार करता है और उसे भगा देता है। इसी कारण से फिर चाणक्य जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु बनता है और उसकी सहायता से जो है अंत में घनानंद की हत्या करता है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर विवरण हमें देखने को मिलता है कि चाणक्य इसके पश्चात इतना अधिक आहत हो जाता है कि वह यहाँ से कसम खाकर निकलता है कि मैं जब तक इस वंश का नाश नहीं कर दूंगा और तुम्हारा नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसी प्रक्रिया के दौरान इसे चंद्रगुप्त मिलता है जो कि चरवाहे के रूप में मिलता है और यहाँ पर एक खेल खेलता हुआ दिखता है, उसमें उसने देखा कि यह बहुत अधिक शासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस कारण से चंद्रगुप्त मौर्य को इसने यहाँ पर अपना शिष्य बनाया और उसे शिक्षा दीक्षा देकर उसके पश्चात इस तरह से सशक्त करता है कि वह घनानंद को पराजित करता है और उसकी हत्या कर देता है, अंत में मौर्य वंश की नींव डालता है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से मौर्य वंश के बारे में हम आगे की ओर पढ़ेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो जैन धर्म था उसके सर्व प्रमुख पोषकों में अगर देखा जाए तो नंद वंश का नाम प्रमुख है, अर्थात अगर कहा जाए कि नंदवंश किस धर्म का अनुयायी था या किस धर्म को पोषण किया करता था या किस धर्म को राजकीय धर्म के रूप में माना तो यहाँ पर जैन धर्म का नाम सामने आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आज प्रमुख तरीके से नंदवंश के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। अब अगला जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम मगध साम्राज्य के सबसे प्रमुख वंश के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम मौर्य वंश कहते हैं। उसमें कई सारे प्रमुख शासक पढ़ने को मिलेंगे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, है ना, उसके साथ साथ हमें अशोक के बारे में पढ़ने को मिलेगा जिसे महान अशोक कहा जाता है, उनकी हम साम्राज्यवादी नीतियों के बारे में और कई सारी धर्म की नीति, है ना, कई सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि खेप के खेप में पूछे जाते हैं
मौर्य वंश से। तो दोस्तों इसी तरह आप हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिए। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हो हमारे चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक सहपाठी बंधुओं को और दोस्तों को यह वीडियो शेयर करना न भूलें। नमस्कार।